अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सैयद जैद तारिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान मार्केट इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ चाचा सादिक फर्नीचर पे भाई, और आज की वीडियो में आप लोग को मुख्तलिफ फर्नीचर दिखाएंगे। जैसे कि भाई आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, टाइटल और थंबनेल देख के आप लोग सबसे बड़ी बात समझ गए होंगे। इस वीडियो में मतलब आपको दिखाएंगे भाई बच्चों के फर्नीचर, जैसे कि अलमारी हो गए, इनके जो बंक बेड होते हैं, कौन से होते हैं, बंकर बेड्स, हाँ वो दिखाएंगे, मुख्तलिफ चीज़ें। और बस वीडियो शुरू करते हैं नाज़रीन। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दिए ताकि हमारी अन्य आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। तो अभी चाचा सादिक से हमारे साथ सऊद भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे सऊद भाई आप? अल्लाह का शुक्र। तो सऊद भाई, आप हमारे व्यूअर्स को एड्रेस बताइए अपनी शॉप का। आपने देखा ये निशा है, गुलशन इकबाल रेड्डी, देखा आपने? इससे पहले यहाँ पर मनीला शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर आकर चाइना बाजार मेन लोकेशन है, वहाँ पर आके विजिट कर सकते हैं। चाचा सादिक किड्स फर्नीचर में। ठीक है, अगर आप लोग वो एक्सपो सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, जी बिल्कुल समझे ईसा नगरी के बिल्कुल सामने की साइड है। तो नाज़रीन बस वीडियो शुरू करो। सऊद भाई, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को क्या चीज़ दिखाना चाहेंगे? मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं अपने एक अपने कारखाने की अलमारी दिखाना चाहता हूँ, एक दिखाना चाहता हूँ बाहरी कारखाने की। ठीक है, मैं अब दिखाता हूँ ये बाहरी कारखाने की बनी हुई मेरी, दिखाइए पहले आपको, पहले सही दिखाऊंगा जो कराची के अंदर हर जगह मिलनी है, वो ये जो कराची के अंदर हर जगह मिली है। ठीक है, इनमें मेरे माल में फर्क दिखाता हूँ आपको। हमारे साइड में हमारे चार, ये देखिए तीन लगे हुए कम से, नीचे देखे शादी बैग लगी हुई है। अच्छा, नीचे शादी बैग है जी, और साइड पर है ये देखे, यहाँ पर जोड़ दिया गया। ठीक है ठीक है, सही है। ये आ गए दराज छोटी। ठीक है, ये देखें नीचे आ गए, नीचे देखें आप शादी बैग लगी हुई है। सही है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपने कारखाने की। सही है, अब अपने कारखाने की कौन सी है वो आप बताइए। ये रखी है, ये आ गई, आप इसको देखेंगे। हमने वन साइड पर चार कब्जे लगाए हैं इसके, हाइड्रोलिक कब्जे वही चार कब्जे लगाए हैं। ठीक है, हमारी वन पीछे वन बैग होती है, ये देखें नीचे देखें आप, वन बैग लगी है हमारी ऊपर से लेकर नीचे तक। यहाँ पर आए, ये देखें यहाँ पर हमारा कोई भी जोड़ नहीं लगता सारा। सही है, यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है। ठीक है, और ये देखें आप, ठीक दराज भी बड़ी है जी, सही है। तो सऊद भाई, प्राइसेस में क्या फ़र्क है? ये देखिए आप लालूगंज वगैरह में देखें, कोई 10,000 रुपये 9,000 की आपको मिल जाएगी। ठीक है, 10,000 रुपये की, ये हमारी आपको पड़ेगी 12,000 रुपये की। देखिए एक शीट आती 1,200-1,800 रुपये की आती, एक आती 2,350 रुपये की शीट। सही, 2,350 रुपये की शीट इस्तेमाल करते हैं पार्टिक्स लेमिनेशन पे। ठीक है, आप ये देखिए 1,500 रुपये का सब फर्क आता है। 200 में मैं बैग लगा दूंगा, ठीक है जी, ताले लगे मैं लोकल डाल दूंगा, हैंडल लोकल डाल दूंगा, 1,500 रुपये का ऐसे ही फर्क आ जाता है। ठीक है, इसके क्या प्राइस आपने बताया? ये पड़ेगी आपको 14,000 रुपये की। 14,000 रुपये की, ठीक है। सऊद भाई, हमने ये वाली अलमारी जो दिखा दी जी, अब इसके बाद कौन सी दिखाना चाहेंगे? इसका साइज बताइए, साइज क्या होगा इसका? जो साइज है 3.5x6 का साइज है सर। ठीक है, ये देखिए ऐसे कि हमने ये ऑर्डर बना के दी कस्टमर को, ये ऑर्डर पर बनी हुई, ये देखें। इसमें भी चार हाइड्रोलिक कब्जे दिए, ठीक है, वन बैग लगी हुई ऊपर से लेकर नीचे तक। सही भाई, ये वन बैग लगी हुई ऊपर से नीचे तक, आपको टॉर्च ऑन करके दिखा दूं। ठीक है, यहाँ कोई जोड़ नहीं है। सही, यहाँ तो वीवर से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी जोड़ नहीं, तो ये चोट साइज नहीं बना हुआ, इक्वल साइज बना हुआ है। मार्केट में आप देखें ना, चोट साइज मिलता है आपको, देखने में भी लगेगा ये बड़ी है जी, जी। उसको देखें और उसको देखें, फर्क है दोनों, फर्क है। ठीक है, और बाकी चीज़ें वही है जो उसमें थी। वो देखें, मार्केट में आपको लोकल ताले मिलते हैं, मैं लगा रहा हूँ SS के ताले, SS के मारे हैंडल लगते हैं। सही है, इसके क्या प्राइस बोल रहे हैं जो आप ऑर्डर पर बना के देते हैं? ये ऑर्डर बना के देते हैं 15,000 रुपये बना के देंगे आपको, 15,000 रुपये की। ठीक है,
और अगर ये आउट कलर है, ये रेगुलर कलर होता तो ये आपको कम में पड़ जाती है, मगर ये आउट कलर है इसलिए आपको 15,000 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इसके। सही है, जो ऑर्डर पे बनाना पड़ती है शीट है ये। सही है, और आगे की तरफ चलते हैं, ये भी वही साइज़ है, ये भी वही साइज़ है, देखें। ठीक है, तो सोच भाई हमारे व्यूवर्स को ये बताइए, कोई अपने हिसाब से पेंटिंग करवाना चाह रहा है या फिर कोई अपनी मतलब अपनी मैं जैसे मैं ले रहा हूँ अपनी पिक लगवाना चाह रहा हूँ तो वो हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी, मेरा काम ही सस्ता रहेगी। सही, तो अपना मोबाइल नंबर बताइए। 03132167700। तो सऊद भाई लास्ट टाइम जैसे हमने वीडियो बनाई थी उस पर लोगों के कमेंट्स आए थे कि अगर हम कराची से बाहर हैं हम उनसे कैसे मंगवाएं, तो उसका क्या प्रोसेस है? होगा भाई जैसे कि तरीक़ेकार ये होता है, जैसे आप मुझसे रब्ता करेंगे फ़ोन पे, आप मुझे तस्वीर वगैरह मांगेंगे, मैं आपको सेंड करूँगा, आप मुझे ओके करने के बाद ऑनलाइन पेमेंट कराएंगे, इसके बाद मैं यहाँ पे आप यहाँ पे बिल्टी कराऊँगा, बिल्टी कराने के जो तरीक़ेकार होंगे मैं आपको समझा दूँगा उसमें। सही, उसके बाद आप क्या चीज़ दिखाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आगे जैसे कि देखिए, ये बच्चों को हमने ये रूम सेट बनाया है, ये ठीक है, ये रूम सेट है जी, ये वाटर मैट पे नहीं है, ये ऑयल पेंट में है। ऑयल पेंट जी, ठीक है, ये क्या साइज होगा इसका? जो साइज है 3.5x6 का साइज है। सही है, बेड का। और ये क्या प्राइस आप बोल रहे हैं इसके? ये बेड आपको पड़ेगा 15,000 रुपए का, फॉर्म के साथ, विदाउट फॉर्म, विदाउट फॉर्म। अगर कोई फॉर्म के साथ लेना चाहे? फॉर्म के साथ देखिए, कस्टमर की डिमांड होती है, 3 साल की भी होती है, 4 साल का भी है, 5 साल का भी है, जैसे वो कैसे क्वालिटी चाह रहा है वैसे इसके प्राइस होता है। सही, फॉर्म के हिसाब से प्राइस है उसके। ठीक है, और आगे की तरफ और कोई चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें इसका, देखें ये बेड के साथ ये अलमारी है। सही, इस बेड के साथ ये अलमारी है, वही पेंटिंग जो इस पर बेड पर करी है वही अलमारी पर। ठीक है, हमारी जो पेंटिंग होती है 3D पेंटिंग होती है। 3D पेंटिंग है, सही। इसी के साथ आपको मैं स्टडी टेबल दिखा देता हूँ। स्टैंड टेबल भी हमारे व्यूअर्स को दी है 2% की, ये दो बच्चों के लिए बनवाई है ऑर्डर पे, मतलब पूरा एक रूम सेट बनवाए? जी रूम सेट बनवाए। तो रूम सेट कितने में इनको पड़? ये रूम सेट इनको पड़ा 40,000 रुपये का। 40,000 रुपये का वही रूम सेट आ गया, बाकी भाई आप लोग फिनिशिंग वगैरह देख सकते हैं इवन। ठीक है, सोच भाई ये क्या है, इसका भी बताइए। ये भी देखा, ये भी ऑर्डर बना के दे रहे कस्टमर को, इनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ड्रेसिंग स्टडी टेबल और ये बेड आ गया। ठीक है, उसकी अलमारी साइड बैक साइड पर रखी है। सही है, स्टडी अगर कोई ड्रेसिंग खाली बनवाना चाहिए कितने की? ये ड्रेसिंग टेबल ये आपको पड़ेगी 8,000 रुपये की, आपके रेफरेंस से कोई भी आएगा तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट देंगे, 7,000 रुपये की, 7,000 रुपये की पड़ जाएगी। और स्टडी टेबल जैसे ये आपको पड़ेगी 9,000 रुपये की, 9,000 रुपये की स्टडी टेबल। ठीक है, और बाहर की तरफ चले हम लोग, चले चलते आपका। सो भाई ये भी बताइए हमारे व्यूअर्स को, ये देखें 3 फिट का साइज है ये। ठीक है, ये देखें ये 3 फिट का साइज है भाई। व्यूअर्स आप लोग एक चीज चेक करें, उसके पूरे डोर में जो बाहर से अलमारी थी उसके डोर भी लंबा था, उसमें 3 हाइड्रोलिक कब्जे लगे हैं, इसमें इन्होंने छोटे से डोर में 3 लगाए हैं। ठीक है, और फिनिशिंग वगैरह भाई आपके सामने बिल्कुल A1 है। तो सऊद भाई क्या इसके प्राइस है? ये आपको पड़ेगी 10,000 रुपये की, आपके रेफरेंस से कोई आएगा तो 9,000 रुपये आपको दे देंगे। ठीक है, इसमें हैंगर लगाने के लिए रॉड लगेगी? अभी यहाँ पर हैंगर लगेगा, एक शेल्फ और लगेगी, एक शेल्फ और लगेगा। इसकी जो गहराई है 16 इंच की गहराई होती है, मार्केट में देखेंगे 14 इंच की गहराई होती है, हमारी 16 इंच की गहराई होती है। बच्चों का एंगल जो होता है 15 इंच का होता है, हमारा 16 इंच का होती है। सही है, तो सऊद भाई इनका भी बताइए बेबी कॉट के। ये बेबी कॉट देखें आप, ये सही भाई व्यूवर से बेबी कॉट आ गया, क्या बोले सऊद भाई आप इसके? देखिए मार्केट में आपको बताऊँ क्या चीज़ है इसमें और मेरे मेरे माल में क्या फ़र्क है, यहाँ पर आ जाए आप मार्केट में देखिए, यहाँ पर हार्ड बोर्ड लगता है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड बोर्ड लगता है मार्केट में, ये हमारे ये लगा हुआ शीट लगी हुई यहाँ पर, ये शीट लगी हुई, ये देखें सही है, डबल शीट में बना हुआ, जैसे कि देखिए ऊपर भी शीट लगी हुई है, ऐसे कि नीचे शीट लगी हुई। ठीक है, ये देखें आप, ये खोल के मैं दिखा दिया, ये देखें, ये देखें आप, सही। इस पर आ जाए बैक पर, आप यहाँ पर आ जाए, हमने यहाँ पर भी शीट लगाई हुई इसकी, वरना यहाँ पे शीट नहीं लगती, यहाँ पर शीट नहीं लगती। ठीक है, आप इसको खोलना भी चाहे तो ये खुल सकता है, ये नटों पे ही खाली, ये नटों पे रखा हुआ इसका। सही है, तो सऊद भाई क्या प्राइस बोल रहे हैं इसका और साइज क्या है इसका? ये है 2x3.5 का साइज है इसका। ठीक है, ये सब कुछ लगेगी, पड़तल की लकड़ी लगेगी,
लकड़ी पे काम हुआ है। ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का विद मैट्रेस के साथ। ठीक है, विद मैट्रेस के साथ 16,000 रुपये का। और हमारी पॉलिश कोई ये आम पॉलिश नहीं होती, ये लेकर वाली पॉलिश होती है हमारी। ठीक है, तो सऊद सऊद भाई इसके भी बताइए जी, ये वाली इन दोनों में देखिए, ये झूले के साथ है। या इसके साथ झूले के साथ ही है। सही, तो व्यूवर्स ये वाली आ गई भाई झूले के साथ बेबी कॉट। ये देखिए ठीक है, इसमें भी वही लकड़ी इस्तेमाल हुई जो आप बता रहे हैं। ये भी ऑर्डर का बना के दे रहे हैं हम लोग, ऑर्डर का बना के दे रहे हैं। सही, तो इसके क्या प्राइस आप बोल रहे हैं? ये आपको पड़ेगा 20,000 रुपये का। 20,000 रुपये का डबल स्टिच का बना हुआ ये भी। ठीक है, तो सऊद भाई हमने वैरायटी तो दिखा दी है, कुछ रह गई तो बताइए हमारे व्यूअर्स को। ये देखिए हमारे बंकर बेड भी बनते हैं, ये ऑर्डर में बनाते हैं। बंकर बेड सही बनाने के, देखो रेगुलर काम तो हर पाकिस्तान में कराची में हर जगह मिल रहा है। जी जी, ऑर्डर काम में क्या होता है, एक बंदा खुद अपने हाथ से बनाता है फिनिशिंग के साथ। जी जी सही है, तो हमारे व्यूअर्स को अपना मोबाइल नंबर और एक बार एड्रेस भी बता दीजिए। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप यहाँ से हुसैनपुर टेरेडी टेरेडी की तरफ असन स्क्वायर है, असन स्क्वायर में पहले आप देखिए मलीला शॉपिंग सेंटर आता है। ठीक है, इससे पहले चाचा सादिक की दुकान है। सही है, तो शुक्रिया सऊद भाई आपने आज की वीडियो में हमारे व्यूअर्स को गाइड करा। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल आता है इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इंस्टाग्राम का लोग फॉलो कर लीजिए। सैयद ज़ैतारिक 26 नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक पेज को लाइक करें। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।